गाजीपुर से अमित उपाध्याय, पत्रकार यूपी हेड की खास रिपोर्ट। कमर्शियल बैंक की तुलना में कई लाभकारी योजनाएं के साथ जिला सहकारी बैंक मात्र 3% ब्याज दर से दे रहा है केसीसी सस्ता लोन। खबर गाजीपुर जिले से है, जहां पर जिला सहकारी बैंक गाजीपुर के चेयरमैन एडवोकेट सर्वजेश सिंह ने आज बताया है कि बैंक द्वारा कमर्शियल बैंकों की तुलना में कम ब्याज दर पर खाता धारक किसानों सदस्यों को जनपद के सभी शाखाओं से दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बैंक द्वारा यूं तो कई योजनाएं चलाई जा रही हैं और बैंक के ग्राहक बड़ी संख्या में उससे लाभान्वित भी हो रहे हैं। अब 3 लाख रुपए तक लोन किसान भाइयों को उनके किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी पर बैंक की आसान फॉर्मेलिटी के बाद उपलब्ध हो जाएगा। बता दें कि केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड भारतीय किसानों के लिए लॉन्च किया गया था ताकि उन्हें असंगठित क्षेत्र से ज्यादा ब्याज दरों पर पैसा उधार न लेना पड़ा। किसान आवश्यकता पड़ने पर इस कार्ड से लोन भी ले सकते हैं। यदि किसान समय पर भुगतान करते हैं तो इस लोन पर लागू ब्याज दर भी कम ही रहती है। किसान क्रेडिट कार्ड लोन के लिए जिला सहकारी बैंक की सभी शाखाओं से लोन सुविधाएं दी जा रही हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि गाजीपुर में उनके बैंक का लाभांश भी काफी बड़ा है और ग्राहकों का विश्वास भी बड़ा है। हमारे यहाँ 40,611 मेंबर ऐसे हैं जो ऋण ग्रहण किए हैं और 3% ब्याज पे इनको ऋण दिया गया है। टोटल मेंबर हमारे 1,98,986 हैं, जिसमें से सक्रिय रूप से काम करने वाले लोगों ने ऋण लिया है। कभी कभी बीच में कोई आदमी को ज़रूरत नहीं होती है, नहीं लेता है। जिसको ज़रूरत होती है वो आता है, उसे ऋण मिलता है। ये ऋण की क्षमता बढ़ा करके कमर्शियल बैंकों की तरह 3 लाख तक किसान क्रेडिट कार्ड पे केसीसी लोन अब हम जनपद के हर मेंबर को देने का प्रयास कर रहे हैं, जिसको जितनी आवश्यकता है। पहले कोऑपरेटिव बैंक में बड़े ऋण नहीं हो पाते थे, मैक्सिमम 1 लाख तक ही लोनिंग करता था बैंक, लेकिन अब 3 लाख तक कमर्शियल बैंक की तरह निर्णय ले चुका है बैंक कि हम ऋण वितरण करेंगे। और 51,000 विशेष सदस्यता अभियान चलाया गया, उसमें हमारे नए मेंबर बने हैं जिसमें बुनकर भी हैं, मत्स्यपालक भी हैं, पशुपालक भी हैं, उनको भी हम अपने बैंक से ऋण दे रहे हैं और 3% ब्याज पे ही उनको भी ऋण दिया जा रहा है, क्योंकि वो भी किसान के ही श्रेणी में आते हैं। इस तरह अपने बैंक के जो व्यवसाय है उसमें वृद्धि भी हो रही है और हम उन गरीब तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जिनको भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार जिनका आय बढ़ाना चाहती है, उनको सुविधाएं देना चाहती है। तो सरकार की जो योजना है उसके अंतर्गत अपना सहयोग पूरा करते हुए हर किसान तक हम लोग चाहते हैं कि उनको समय से सस्ता ऋण उपलब्ध हो सके। कमर्शियल बैंक के द्वारा जो भी लोन दिया जाएगा किसानों को वो 4% पे दिया जाएगा। कोऑपरेटिव बैंक द्वारा वह ऋण 3% पे दिया जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार कोऑपरेटिव बैंक के ऋण ग्रहीता को 1% की छूट अपनी तरफ से देती है और 3% भारत सरकार देती है। कुछ योजनाएं आप बता रहे हैं हमारे यहाँ किसानों के लिए। ये सारे ऋण वितरण तो हो रहे हैं, बैंक को और अच्छे स्थिति में सुदृढ़ बनाने के लिए हम लोगों ने सैलरी अर्नर सोसाइटियाँ बड़े पैमाने पे बनाने का प्रयास किया है, जिसमें जिले भर के शिक्षकों की बनी है, जिले भर के सफाई कर्मियों की बनने की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है, जिसमें बड़े पैमाने पे शिक्षकों को लगभग सैलरी आनर सोसाइटी में हमने 22-23 करोड़ का ऋण वितरण किया है। अगर यह सफाई कर्मचारियों की सोसाइटी बन जा रही है और शिक्षकों की सोसाइटी थोड़ा और भी मेम्बर बढ़ाती है तो लगभग 1 अरब का व्यवसाय ये सैलरी आनर्स में हो सकता है। और लगभग 1 अरब का व्यवसाय किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के रूप में करने के लिए सारे शाखा प्रबंधकों को लक्ष्य दिया जा चुका है, ताकि बैंक की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ हो और अधिक से अधिक किसान इसका लाभ पा सके। क्या अपील करेंगे? हम किसानों से ये अपील करते हैं कि वो इन तथ्यों को समझें कि क्या कमर्शियल बैंक उन्हें 3% पे 3% पे लोन दे सकता है। अब
पर नहीं देता है और उन टर्म कंडीशंस पे हम उनको ऋण 3% पे दे रहे हैं, तो किसानों को 1% का फायदा हो रहा है। उन्हें बड़ी संख्या में हमारे बैंक से किसान क्रेडिट कार्ड का लोन, फिशरीज का लोन, पशुपालन का लोन लेना चाहिए। आपके नेतृत्व में जिला सहकारी बैंक गाजीपुर कितना प्रगति किया है आपके कार्यकाल में? हमारे कार्यकाल में अगर हम बात करें डिपॉजिट की, वो भी बढ़ा है। शेयर की बात करें तो लगभग जो शेयर 43 करोड़ था वो लगभग 75 करोड़ हुआ है। हमने जितना भी कोशिश किया है कि अधिक से अधिक मेंबर्स की वसूली हो, अधिक से अधिक लोगों को ऋण दिया जाए, जो हमारी पूंजी होती है शेयर के थ्रू बढ़ती है वो भी हमने बताया लगभग दूना के बढ़ी है। जो सिक्योर लोन है वो भी लगभग सैलरी आनर्स का जैसे हो रहा है, ये लोन भी काफ़ी बढ़ा है। तो ऐसे बैंक की वित्तीय स्थिति लगातार इन दिनों सुधर रही है। बैंक के विश्वसनीयता के लिए क्या करें, क्योंकि गाजीपुर में एक पूर्वांचल कोऑपरेटिव बैंक दिवालिया होने से कोऑपरेटिव बैंकों पे एक संकट सा छा गया है विश्वसनीयता? नहीं, कोऑपरेटिव सहकारी जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक या पूर्वांचल कोऑपरेटिव बैंक था वो नगरीय क्षेत्र के लिए था और उसका व्यवसाय और उनके जो डायरेक्टर थे वो अध्यक्ष थे, मुझे यह बात कहना नहीं चाहिए, लेकिन वो एक परिवार का बैंक था जहाँ ज़्यादा संभावना थी कि इस तरह की घटना घट सकती है, और उसी के चलते हुआ। ये बैंक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चलता है और सरकार की पूरी निगरानी रहती है, इसमें उस तरह के घटना का कोई 1% भी चांस नहीं है, और ख़ासतौर से जब तक हम अध्यक्ष हैं तब तक तो कोई स्वप्न में भी नहीं सोच सकता। धन्यवाद सर।